लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग, लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद निफ्टी की जो कैंडल बनी आज, बहुत डिटेल में चर्चा की है मैंने आज टेक्निकल एनालिसिस का, आपकी नॉलेज के लिए मिस मत करिएगा। पर वो जो कैंडल बनी है जिस तरह की, उसकी शेप जो है उसको देख के आज यही बोलना पड़ेगा, रुक जा ओ तेजी करने वाले रुक जा, पंगा पड़ सकता है भाई बाजार में, ज्यादा ना तू उड़ भैया रुक जा, पंगा पड़ सकता है बाजार में। तो भैया बाजार में ना पंगा पड़ सकता है। तो अच्छा, आपको अब क्या लग रहा है? आज मेरी किसी से चर्चा हो रही थी, वो कह रहा था भाई साहब बाजार 25 नहीं जाएगा, 25 से पहले 1000 पॉइंट गिरेगा, मैक्सिमम 24800 तक जाएगा। तो आपको क्या लगता है, आपका क्या विचार है? बाकी देख लेते हैं, बाजार तो आ ही गया, बजट भी, अपने विचार कमेंट में लिख डालिए। डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा ये मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है, निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज तो बाजार बड़ा अजीब सा रहा। आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी थी, तो निफ्टी बैंक तो ज़्यादातर वक्त उसने लाल में गुजारा। निफ्टी 50 अच्छा हरियाली में आ गया था, नया लाइफ टाइम हाई बनाया, पर कैंडल में आज भी पकड़ दी है। आज भी जब मैं लास्ट मोमेंट तक देख रहा था तो कैंडल इनडिसिसिव डोजी थी, एग्जैक्ट कैंडल अभी देख लेंगे। तो निफ्टी 50 लाइफ टाइम हाई है, लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है मेरे हिसाब से, पर पकड़ नहीं है डार्लिंग। देखो मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, उससे आपको क्लैरिटी होगी कि सब कुछ होते सोते भी कहते हैं ना मज़ा नहीं आया बाजार का। अच्छा, फिर मैंने देखा हल्का फुल्का कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो गिरा ही हुआ था आज। आज पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का गिरा ही हुआ था, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हरियाली में आ गया तो मैं नहीं कह सकता, अदरवाइज पोर्टफोलियो भी हल्का फुल्का आज गिरा हुआ था। देख लेते हैं। अच्छा, मेरा फ़ोन वहाँ चला गया, चलो वो चार्जिंग पे लगा हुआ है। तो ये देखिए आप, बाद में थोड़ी कैंडल बदल गई, हाँ कैंडल बदल गई बाद में, आज की कैंडल जो है बदल गई। बड़ी खराब कैंडल है आज की। कल तो इंडिसेस डोजी थी यार, आपको मैंने कहा था ये लाल लाइन होनी चाहिए, कल दिखा नहीं रहा था लाइन, आज लाल दिखा रहा है ये, वो एवरेज का चक्कर पड़ जाता है। देखो आज भी बाजार ने लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग दी है, ये लाइफ टाइम हाई बनाया, और ये जो है उसकी नीचे वाली डंडी लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है। तो यानी दो नए रिकॉर्ड बाजार ने, निफ्टी 50 ने आज फिर बनाया, लेकिन कैंडल ठीक नहीं है। इस कैंडल को हम इन्वर्टेड हैमर कैंडल कहते हैं, आप देखिए हथौड़ी जैसी है, देख रहे हैं हथौड़ी जैसी कैंडल है। तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो होती है वो अपने आप में थोड़ी सी आज के माहौल पे खराब है। तो देखा ना, देखो मैं आपको, मैंने बता ही दिया वो ट्रेंड रिवर्सल संकेत देती है, मैं फिर भी आपको डेफिनेशन पढ़ के बताता हूँ। इन्वर्टेड हैमर इंडिकेट्स
अ पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल राइट द अपर द लॉन्ग अपर विक. ये देखिए ये जो है लॉन्ग अपर विक है, ये देखिए कई बार मेरा मन करता है पढ़ के बताने का. विच फॉलोज अ डिक्लाइन सिग्नल बाय बिल्डिंग अ प्रेशर ड्यूरिंग द सेशन. इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ. बाजार यहाँ खुला बाजार, फिर बाजार में मजबूती आई, बाजार ऊपर चला गया, फिर बाजार टिक नहीं पाया, वो गिरता रहा और क्लोजिंग उसने यहाँ दी. तो इसका मतलब नीचे एक मोटा सा आ गया, जहाँ से खुला था उसके ऊपर तो गया पर टिक नहीं पाया और उसके बाद जो है नीचे आ गया. नहीं समझे? ठीक. तो इसका कलर लाल हो हरा हो इसका मतलब क्या है कि उससे फर्क नहीं पड़ता. पर ये लाल मेरे हिसाब से, किताब तो ये कहती है भी हरा लाल से फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे हिसाब से दिक्कत है. देखो मैं बताता हूँ कैसे, आपको अलग से समझाता हूँ. देखो अब बाजार यहाँ खुलता है, यहाँ खुला बाजार, इस लेवल पे बाजार चढ़ा, मजबूती है बाजार में, अप ट्रेंड है. ठीक. उसका बाजार टिक ही नहीं पाया, पहले तो वापस यहीं आ गया जहाँ खुला था, वहाँ भी नहीं दबाव आया, फिर नीचे चला गया, यहाँ जाके बंद हुआ. तो अब ये कैंडल बन गई, अब ये बन गई ना हथौड़ी, उल्टी हथौड़ी. और ये अपीयर भी कहाँ हो रही है? तेजी के माहौल में. तो तेजी के माहौल में इन्वर्टेड हैमर जो होता है वो अपने आप में रिवर्सल की तरफ इशारा कर सकता है, बाजार रिवर्स हो सकता है. ऐसा देखो टेक्निकल एनालिसिस कहता है. मैंने इसलिए आपको थोड़ा सा पढ़ के भी सुना दिया कि मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा, हालांकि आपने देखा होगा स्टार्टिंग में मैं यही बोल रहा था, फिर भी मैं थोड़ी तसल्ली कर लेता हूँ. मैं कभी कोई नई बात आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए हम गलत बोल रहे हों. पर अच्छा बनी बिल्कुल हथौड़ी है, ध्यान से देखिए. कई बार क्या होता है ये लंबी विक बन जाती है, तो लंबी विक हो जाती है ना, ये छोटी वाली थोड़ी जाती जो जोर से मारती है वैसी हथौड़ी बनी है. ठीक है ना. तो भैया कैंडल अपने आप में ये कह रही है बाजार में खतरे का संकेत है. लेकिन सिर्फ कैंडल की बात नहीं होती, उसकी लोकेशन देखो, उसके दो रिकॉर्ड देखो जो उसने क्रिएट किया है, लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग और लाइफ टाइम हाई बनाया नया. और मूविंग एवरेज पे देखो बोलिंजर बैंड के अपर बैंड पर है. तो अभी इसकी कन्फर्मेशन मिलेगी 2-3 दिन में. लेकिन बस डर क्या लग रहा है, इन्वर्टेड हैमर तब आया है जब कल छुट्टी है, परसों बाजार खुलेगा एक दिन के गैप के साथ. ठीक. ऊपर से बजट सर पे है, तो इसलिए ये थोड़ा सा हमें ये संकेत देती है भाई ठहर जा, रुक जा, रुक जा, ओ तेजी करने वाले रुक जा, पड़ सकता है पंगा अब देख तू, ज्यादा ना उछल भैया आज तू, कुछ भी हो सकता है भैया देख तू. तो ये वो वाली बात है भाई, रुक जा. तो अब जैसे आज मैंने बहुत सारे ट्रेड कर डाले, तो मेरे को यही लग रहा था यार ये बाजार में बाद में ठंडा ठंडा हो गया मामला. तो मैं कई बार AMO डाल देता हूँ, आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स, आज ही डाल देता हूँ परसों के ऑर्डर, बहुत सारे 50-60 डाल देता हूँ, मैं भूल जाता हूँ नहीं. तो मैंने आज सिर्फ 4-5 डाले, वो भी मैंने वो डाले हैं जो थोड़े स्क्वेयर ऑफ करने वाले हैं. नई पोजिशन बनाने का मेरा कोई विचार नहीं है. पूछो क्यों, कैंडल क्या कह रही है, रुक जा. अब कई बच्चे कहेंगे कल बाजार भाग गया, सर आप तो कहते बाजार गिरेगा. अब भाई कैंडल कह रही थी, मैं क्या कह रहा था, कैंडल बोल रही थी, हमने बस सावधानी बरत ली. अब मान लो हम सावधान हो गए और परसों बाजार भाग जाता तो अच्छा ही है ना, गिर जाएगा तो सावधानी हेल्प ही करेगी, कल सोच समझ के काम करना. कल मतलब कल तो छुट्टी है, परसों. ऊपर से देखो आप बोलिंजर बैंड पे देखो, साला बिल्कुल मरे हुए बार हैं, दिख ही नहीं रहे आपको, दिख ही नहीं रहोगे बार. ये देखो यानी यहाँ भी बाजार न्यूट्रल. अच्छी बात क्या, RSI मजबूत है, पर RSI ओवरबॉट जोन में, 80 के ऊपर तो एक्सट्रीम ओवरबॉट हो जाता है ना. तो ये सब बातें देखकर जो टेक्निकल एनालिसिस है वो तो ये कह रहा है भी बड़ी सावधानी की ज़रूरत है, बड़े संयम की ज़रूरत है, नहीं तो कभी भी बाजार में पंगे में फंस सकता आदमी. तो मेरा ऑब्जेक्टिव अब सिर्फ यही है, मैं शांत इसलिए बैठा हूँ कि मेरे बहुत सारी ना कॉले इन द मनी हो गई है, जिसके चलते मेरे को शेयरों की डिलीवरी छोड़नी पड़ेगी. तो मेरे पास उम्मीदन अगर वो इन द मनी देंगी तो अच्छा खासा कैश आ जाएगा,
फिर मेरे को मार्जिन मैनेज करने में दिक्कत नहीं आई, इसलिए मैं बिल्कुल शांत बैठा। अब मोटा मोटा 5 सेशन रह गए बाजार के, 6 कह लीजिए, आज का कट गया ना, कल छुट्टी है, 6 भी कहाँ रह गए, हाँ थर्सडे से थर्सडे 6 सेशन रह गए। और बजट का अब से चौथा सेशन बजट का है, थर्सडे फ्राइडे मंडे ट्यूसडे बजट, वेनसडे थर्सडे ख़त्म, और बजट बिल्कुल एंड में आ रहा है, तो 2 दिन में पंगा कुछ हो सकता है। तो अब यही है भैया, संभल के रहो, ज़्यादा उछलो कूदो मत। अब देखिए ग्रीड भी बढ़ रहा है लगातार, अब ग्रीड भी 74.19 पे आ गया, तो कहीं ना कहीं बाजार सब जगह ओवरबॉट के सिग्नल दे रहा है। अच्छा ये तो स्टैग्नेंट है लोअर साइड पर, तो इसको तो अपन फेवरेबल ही कह लें, अच्छा रहेगा, नहीं आपकी क्या राय है, फेवरेबल है ये, गिरा है फेवरेबल है, हल्का गिरा है फेवरेबल है, हल्का गिरा है फेवरेबल, तो इंटरनेशनल इंडिकेटर तो सही है। अब पंगा है FIs का, अब FIs की मैं बात करूँ तो देखो ओवरऑल तो उन्होंने बड़ा माल खरीदा है, बड़ा माल बेचा है, ठीक है ना, तो जिसके चलते अगर आप देखेंगे नेट उनकी खरीदारी आई है कैश सेगमेंट में, पिछले 2 दिन ज़्यादा थी, आज भी ठीक ठाक है 1271, और DIs लगातार बेच रहे हैं, आज भी उन्होंने 529 करोड़ का माल बेचा जिसके चलते 742 करोड़ के आसपास नेट खरीदारी है। पर FIs ने क्या करा, इंडेक्स फ्यूचर थोड़े से काट दिए, थोड़े से स्टॉक फ्यूचर काट दिए, स्टॉक फ्यूचर थोड़े ज़्यादा काटे हैं, और कुल मिला के 2122 करोड़ की नेट उनकी सब तीनों सेगमेंट की मिला के बिकवा लिया है, ऑप्शंस ट्रेड यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। तो ये मतलब डेटा है जो ये कह रहा है थोड़ा सा FIs भी आज रुके हैं। अब FIs की अभी भी इंडेक्स लॉन्ग तो बड़ी स्ट्रांग है, ओवरबॉट जैसी है, और स्टॉक की जो लॉन्ग है वो कल से रिलेटिवली हल्की होगी, पर अभी भी हायर साइड पर ही है, तो जैसे पीक पर है, मतलब इवन जो परसेंटेज लॉन्ग है FIs की स्टॉक्स में इंडेक्स में, अगर पास डेटा हम देखते हैं तो उसके हिसाब से वो भी ओवरबॉट ही हैं, तो इसलिए इस पर बाज़ार में बाइंग बहुत हो चुकी है। अब देखिए ये सारा सेगमेंट, ये सारे इंडाइसिस आज गिरकर बंद हुए, जिसमें निफ्टी बैंक भी आ गया, मिड कैप 100 भी आ गया, नेक्स्ट 50 भी आ गया, नेक्स्ट निफ्टी 100 भी आ गया, 200 भी आ गया, 500 भी आ गया, बस ये स्मॉल कैप मिड कैप और स्मॉल कैप 50 ये चढ़े हुए थे, और आपका हल्का सा निफ्टी 50 चढ़ा हुआ था, और इंडेक्स फ्यूचर जो है इंडिया विक्स भी आज हल्का सा बढ़ा है, इंडिया विक्स बढ़ने से प्रीमियम बढ़े। आज ये देखिए लगभग बैलेंस ही था, 1173 शेयर जहाँ एक तरफ बढ़े हुए थे 1165 शेयर गिरे हुए थे, यानी तालमेल बराबर, भाग रहा था इंडिया सीमेंट, पिरामल एंटरप्राइज, कोल इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। पिरामल एंटरप्राइज भी नासपीटा शेयर है, बायबैक भी इसका 1400 रुपये के आसपास था, सारा चल के ही राजी नहीं है, पता नहीं क्या नासपीटा शेयर है, हालांकि अंबानी भाई साहब का, अंबानी भाई का समधी है ये, चल ही नहीं रहा। अच्छा HAL आज बड़ा गिरा, HDFC MC इतने बढ़िया नतीजे आए हैं, इतने बढ़िया नतीजे आए हैं, इतने बढ़िया नतीजे आए हैं, पर गिर गया। REC भी गिरा अच्छा खासा, LT टेक्नोलॉजी भी गिर गया। मेरा एक तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और एक REC, इसके लिए मुझे बड़ा अफसोस है, मैं बता नहीं सकता कितना दुख है, ये मुझे इतने पसंद थे शेयर, पर मैंने इसमें पोजीशन ही नहीं बनाई, बस ठीक है प्रभु जो चाहते हैं सही चाहते हैं। आज 29 शेयर बढ़े हुए थे, 20 शेयर गिरे हुए थे, एक शेयर स्टैटिक रहा होगा, 24,586 बंद हुआ, 24,615 पे खुला, लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग थी, ओपनिंग थी पहले, फिर भाई साहब यहाँ से भागा, लाइफ टाइम हाई पीक बनाया 24,661 का, फिर गिर गया, बॉटम बनाया 24,587 का, फिर चढ़ गया, फिर गिर गया, अल्टीमेटली लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग 24,613 की, 26 पॉइंट बढ़कर 0.11% की तेजी के साथ बंद हुआ। कोल इंडिया गजब ढा रहा था, BPCL, HUL, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, भारतीय एयरटेल, LTIM, HDFC लाइफ, आग लगी हुई थी इनमें आग, गिरने वालों में श्रीराम फाइनेंस, डॉक्टर रेड्डी लैब, आज कोटक महिंद्रा की बड़ी बजाई है, अल्ट्राटेक सीमेंट, NTPC, हिंडालको, रिलायंस को बहुत मारा है, ये सब गिरे पड़े थे, इसकी तो हमने चर्चा कर ली। अब इसको देखवाओ, बाजार 24,613 पे बंद हुआ, 24,600 पे कॉल रेटिंग बढ़ी है,
पुट राइटिंग बढ़ी है, पर पुट राइटिंग कॉल राइटिंग के मुकाबले ज़्यादा बढ़ी है। यानी 24,600 में पुट राइटर्स कह रहे हैं दत्त तेरी, गिरने नहीं देंगे। बाकी यार ऑपरेटर कुछ भी कर सकता है। मैक्सिमम पेन भी 25,000 पे है, सेकेंड हाईएस्ट 24,600 पे है। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस का डाटा तो मजबूती दिखा रहा है, टेक्निकल भी सारे मजबूत है, सिर्फ कैंडल छोड़ दो इन्वर्टेड है हमारा, बाकी सारे फेवरेबल फैक्टर्स हैं। मंथली वाले में भी इम्प्रूवमेंट है, देखो आप पुट राइटिंग भी हाईएस्ट 23,500 से बढ़कर 24,000 पे आ गई, कॉल राइटिंग भी हाईएस्ट 25,000 से बढ़कर 26,000 पे आ गई। तो ये भी मजबूती का संकेत है, इस बार तो लग रहा है अब की बार 25 के पार। पीसीआर बड़ा मजबूत हो गया 1.24 मंथली वाला, जबकि थोड़ा हल्का हो गया, नॉर्मल हो गया। अब इसकी तो एक ही दिन बचा, परसों देखते हैं क्या गेम होता है इसके अंदर। यहाँ 4 शेयर बढ़े हुए थे और 8 गिरे हुए थे, 52,455 पे बंद हुआ था, 52,446 फ्लैट ओपनिंग थी, पीक शुरू में बनाया 52,619 बनेगा ना, फिर गिर गया, फिर चढ़ा, फिर वहीं घूमता, फिर गिर गया, बॉटम लास्ट पे बनाया, पहले भी टच करने की कोशिश की थी 52,331, फिर अल्टीमेटली 52,396 पर 59 पॉइंट गिरकर 0.11% की गिरावट के साथ बंद हुआ। आज बंधन बैंक बैन से बाहर आया था, भाग गया। ICICI बैंक, फेडरल और इंडस इंड बैंक भी मरा पड़ा है, लंगड़ा घोड़ा है। बाकी सब बड़े शेयर गिरे हुए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा गिरावट आज कोटक महिंद्रा और AU स्मॉल फाइनेंस में देखने को मिली। अब इसकी कैंडल तो यहाँ मैं यही कहूँगा भैया, 5 दिन से कंसोलिडेट हो रही है, ठीक है कंसोलिडेट हो जाएगी या टिक जाएगी तो फिर ऊपर की यात्रा प्रारंभ कर देगी। तो कंसोलिडेशन तो कोई बुरा नहीं है। MACD चार्ट पे वीक है, RSI ख़राब तो नहीं है पर थोड़ा वीक ही है, और कैंडल भी मिडल बोलिंजर बैंड पे बनी, मज़ेदार नहीं है साहब। अब 52,500 पे अगर आप देखेंगे मैक्सिमम कॉल रेटिंग पुट रेटिंग है, मैक्सिमम पेन है, और बाजार भी इसके लपेटे में ही बंद हुआ है। अब इसका PCR बड़ा हल्का चालू हुआ 0.76, मंथली वाला 1.09, हल्के से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें मजबूती रह सकती है। अब इसके तो एक्सपायरी के दिन इसके भी कितने रह गए, 4 रह गए ना इसके, तो थर्सडे फ्राइडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, 5 दिन है, और निफ्टी के 6 दिन हैं। आज मैंने प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से 90,000 के आसपास का प्रॉफिट किया। हालांकि मैंने 1100 टाटा मोटर बेचे थे आज, जिसमें 2 रुपये 2 पैसे से ऊपर का प्रॉफिट, 2 लाख से ऊपर का हुआ प्रॉफिट, मैंने उसकी चर्चा आज नहीं की है। मैंने वैसे बेचे थे 1026 के आसपास, इसलिए मैंने उसकी चर्चा नहीं करी ज़्यादा, क्योंकि उसके अगेंस्ट मैंने ना FNO में पोजिशनें बना ली, तो प्रॉफिट तो बुक हुआ ही है वैसे, मैं तो बता रहा हूँ आप। अब 2 फ्यूचर कॉल स्ट्रेटजी मैंने लगाई आज, तीन ऑप्शन स्क्वेयर ऑफ किए, 1 फ्यूचर स्क्वेयर ऑफ किया, 3 एग्रेसिव पुट बेची, 1 निफ्टी पोजीशन बनाई, 18 सेफ पुट्टे बिक गई, 8 बार कैश सेगमेंट खरीदारी करी। अब ये जो 18 बिक गई है ना, ये मुझे प्रेशर दे रही थी। तो कभी बच्चे पूछते हैं ना कि सर आप डरते हो, अभी डरता इसलिए मेरी पोजीशन लॉन्ग की कितनी ज़्यादा होती है, तो अगर बाजार में गिरावट नज़र आती है तो डरूंगा नहीं, तो फिर तो मैं अंधा हो जाऊंगा, पता नहीं कि पता चलेगा 18 बजे 180 बना दी। अब माइंड पे प्रेशर आ रहा है कि कल माल काटना है, अब टिकने का मन नहीं कर रहा, तो कल देखते हैं, कल मतलब मैं परसों में मौका मिलता है कि नहीं। एक्साइड के मैंने कई सारे लॉट आज स्क्योर ऑफ कर दिए, 27,450 का प्रॉफिट हुआ, 5 लॉट थे। वेदांता के 2 लॉट स्क्योर ऑफ कर दिए, 8,740 का प्रॉफिट हुआ। फिर टाटा कंज्यूमर के ना मेरे पास 3 फ्यूचर पड़े थे, तो मैंने 2 फ्यूचर इसके स्क्वेयर ऑफ किए तो 1 बच गया, और 2 मैंने इसकी कॉल स्क्वेयर ऑफ कर दी। कॉल में मुझे नुकसान हुआ 20,655 का। अब ये जो प्रॉफिट है ये 3 फ्यूचर का है, तो 2 फ्यूचर का प्रॉफिट निकालना है तो 2/3 करना पड़ेगा, जो लगभग 72,000-73,000 आएगा। उसमें से 20,000 घटा दोगे तो 52,53,000 का प्रॉफिट आएगा इसमें नेट। ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब स्क्रीनशॉट में इसलिए दिखाता हूँ कि आपको बताऊँ कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। तो ये सारी आज की कहानी थी। तो भैया
अपना तो ठीक ही चल रहा है, अभी तक का तो सही है, महीना जो गया अब 3 हफ्ते ख़त्म हो जाएंगे, आखिरी हफ्ता है, क्रूशियल है, अब प्रभु के आशीर्वाद प्रभु की कृपा बनी रहेगी। आज बड़ी सारी ना नई पोजिशनें बनाई, अब एक सेगमेंट मेरे कुछ सेक्टर्स मेरे रह गए, मैं बताऊँ मेरा सीमेंट रह गया है, डिफेंस रह गया है, सीमेंट डिफेंस, पावर सेक्टर भी बहुत ज़्यादा नहीं कवर किया हुआ मैंने, पावर में सिर्फ बस टाटा पावर है, बाकी मैंने PFC REC कोई पावर नहीं कवर किया, तो इसमें अब मैं थोड़ा सा कॉम्पनसेट करने पे लगा हूँ, पावर सेक्टर में, डिफेंस में, सीमेंट में, अदानी ग्रुप भी रह गया मेरा, अब इनमें से एक एक करके पकड़ रहा हूँ, एक को तो मैंने आज कब्जे में ले लिया, काफ़ी अच्छा, बिल्कुल ग्रिप बना ली, अब बाकी में देखते हैं कब ग्रिप बनती है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सेक्टर रोटेशन करता रहता हूँ, जो मैं सेक्टर में अटक जाता हूँ उसको बारी बारी से पकड़ लेता हूँ। तो ये थी सारी आज की कहानी। तो भैया मैं सिंपल सी बात आपसे कहूँगा कि भैया शेयर बाज़ार जो है बहुत ही ख़तरनाक जगह है, और मेरा ऑब्जेक्टिव होता है बच्चों को वीडियोज़ के माध्यम से, डेमोज़ के माध्यम से सिखाना, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता, कोई पूछ भी लेता तो ये कहता हूँ भैया अपने रिस्क कैपिटल से काम करो, अगर आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहें, सीखना चाहें, व्हाट्सएप पे तो फ़ोन नंबर है 70 11 323 077 70 11 323 077, मेरी टीम को कॉल करो, या मेंबरशिप सेक्शन में भी जाकर बन सकते हैं यूट्यूब के, डीमैट अकाउंट खुलवाना तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी मिस्टर, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।